पहुंच गए अपने गांव वाले घर पहुंच गए। शादी वाले दिन से बंद हुआ हुआ है। ठीक ठीक अल्लाह जी। अभी ना इसको इतनी मट्टी नहीं है, है ना। ठीक। हमने कहा बू का सरप्राइज, चलो झूला लेकर आओ। ये रेडी देखिए, कहते हैं यहाँ पे इसको झूला लेना है। और ये आया, का चक्कर लग भी गया। ये झूला नहीं है, आप तो मुझे चक्कर लगवाने गए थे। हाँ मजा आया, इसको गाड़ी से ज्यादा बाइक अच्छी लगती है, बाइक पे बैठना अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, खैर खैरियत से हैं। आज हम जा रहे हैं अपने गाँव में, अपने अपने विलेज में। तो मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, ये मेरा मैका है और अभी हम जा रहे हैं अपने ससुराल। से कोई प्लान नहीं था ऐसा ही कि अभी अम्मी को लेने आए, फिर एक दो दिन और रुक गए क्योंकि चाचू की टिकट जो थी ना वो एक दो चार दिन आ गई थी तो उनकी वजह से रुकी हुई थी। तो चाचू फाइनली आज जा रहे हैं, रात में उनको छोड़ेंगे। हाँ सुबह की फ्लाइट है तो हम रात को 12 बजे निकलेंगे। तो 12 बजे ना वहाँ से एयरपोर्ट करीब पड़ेगा जो मेरा ससुराल है, यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। हमने सोचा कि यहाँ से वहाँ चले जाते अपने गाँव में और वहाँ पे चलो सबसे मिल भी लेंगे और रात को 12 बजे फिर वहाँ से निकल जाएं। थोड़ी देर में निकलेंगे, जाने से पहले ना एक दफ़ा यहाँ पर चलते हैं, ये जहाँ पर लैला का घर है। कल जैसे मैं लैला से मिलने आई थी ना तो मैं आपको बता रही थी कि ये सामने जो है ना इनका घर, स्थानीय बहने हैं हमारी यहाँ पे। पहले मैं आई थी, इनका घाघरा चोली भी पहना था तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर इनके साथ एक टाइम गुजरा। और अब हमारी एक बातचीत भी, जब मैं आती हूँ तो मिलती हूँ। तो कल से वो भाभी को बोल रहे हैं सितारा यहाँ आइए, तो हमें मिलने क्यों नहीं आई, तो उनसे ज़रूर मिलवा के जाओ, बस उनसे मिल के फिर यहाँ से निकलते हैं। और अभी देखो जैसे हम इनके घर पर आए ना तो ये इसका काम कर रहे थे, शीशे का। ये अपनी चोलियाँ इतनी प्यारी प्यारी बनाते हैं, घाघरा चोली, ये चोली बन रही है ना भाभी। मुझे भी ऐसा ये शीशे वाली जो चोलियाँ होती है ना वो ज्यादा अच्छी लगती है। बोलती है रोज मुझे, बोलती मुझे सितारा के पास जाना है, मुझे मिलने है उसे। हाँ। पिछले साल मिलने आई थी इसको, देखो अभी तक याद कैसे है, याद हूँ मैं। और ये इतना खुश होती है मेरा, जब से इसने सुना है कि मैं इधर आई हूँ तो रोज भाभी को बोलती है कि मुझे मिलवाओ, मुझे मिलवाओ। आप खुश हो? जी अभी तो इसने सारा मेकअप करके अपना फेस भी वो किया हुआ है। यहाँ से पढ़ते, एक साइड से पढ़ते ना भाभी, ये डेंट पड़ते इसको। अभी ये काम खुद के बना बनाया मशीन बना बनाया। चोलियाँ होती है ना, ये लंबी चोली, नीचे घाघरा, ये खूबसूरत लगेगा, ज्यादा प्यारा। ये पर्पल वाला ना, सबसे पहले घाघरा चोली एक पहना था ना वो बहुत प्यारा था, वो जो ग्रीन कलर की चोली थी ना वेलवेट की। ये पूरा थैला जो है ना इनका भरा हुआ, ये साथ साथ ना कढ़ाई वगैरह और ये बनाते हैं। शीशे वाली भाभी बहुत प्यारी लगती है, मैंने ये देखा। हाँ ये वाला, ये बहुत अच्छा है, ऊपर आएगी और ये वाली नीचे आएगी। हाँ, नीचे आएंगी। हाँ। ये सेल भी करती है ना फिर। अच्छा, बहुत खूबसूरत काम हुआ हुआ है। कितने दिन में एक चोली बन जाती है? ये बाकी यहाँ पे अटैच होंगी तो ये नीचे लंबी कमीज बनेगी। ये है इनका घर और यहाँ पर आई थी जब मैंने, यहाँ पे लस्सी भी बनाई थी इस जगह पे बैठ के, ये वाली जगह भी बनाई थी, मक्खन निकाला था। और ये रहा इनका घर कि मैंने बहुत सारा फोटो शूट कराया था, इनके अंदर ना बहुत सारे एनिमल्स हैं। इस दफा तो मुझे उस चीज का मौका ही नहीं मिला, वो घाघरा चोली पहनने का। तो चलो यहाँ अंदर चलते हैं, यहाँ चाय बनी हुई है। और ये चीज भी हमेशा होती है, जब भी आओ ना यहाँ पर चाय भी पकती है हमारे लिए। इधर साइड पे जो मैं बैठूं और चाय पी के फिर चलते हैं। किसी के घर की ना अलग अलग चाय का टेस्ट होता है, आपके घर की चाय का अलग जायका है। तो चलो यहाँ पर चाय वाय पी लिए, थोड़ी देर बातें बातें की, उनसे बहुत अच्छा लगा। और ये देखो ये है पूरा इनका, क्या बोलते हैं इसको, बाड़ा बोलते हैं, पूरा इतना बड़ा ये बाड़ा है। यहाँ पर सारे इनके एनिमल होते हैं। अभी कहाँ गए भाभी? कहाँ पर है? इस साइड पर है। तो सारे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह ये कितने क्यूट है, छोटे छोटे हैं। बड़े कहाँ गए सारे? बड़े सारे चरने गए ना, जैसे एक मछलियों का छोटा तालाब। हाँ हाँ। मछलियों का और बड़ी होती है समंदर में, ये भी छोटा सा तालाब है, छोटा है। ये सब ऐसे है, ये मेरे ख्याल से अच्छा। तो ये देखो सबसे छोटा है भाई। हाँ। ये वाला ये परसों पैदा हुआ है। हाँ ये 2 दिन का है। हाँ ये तो बहुत छोटा है फिर। हाँ जाएगा ना बेबी, आज देखती ना बहुत खुश होती कि काओ का बेबी है छोटा। ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का है। ये तो भाभी सारे बाहर आ रहे हैं। देखो यहाँ पे इनका ना ये बैठक बना हुआ है, आते जाते जो भी इनके मेहमान होते हैं यहाँ पे इस साइड पे बैठते हैं। हाँ इस साइड से चलो हम आराम से देख सकते हैं। ये देखो अभी सारे आगे बड़े पानी पी रहे हैं, आते ही आके जैसे आते हैं ना तो फिर यहाँ पे सारे पानी पी रहे हैं। हाँ लैला पता नहीं कहाँ है, वो मुझे पहचानती है कहीं पे भी देख लिया, आज उसको पता नहीं चला कि मैं आई हुई हूँ। इनका रवाज है ये दुपट्टा आपका। हाँ
अच्छा रिवाज है जो इनके घर। बहुत शुक्रिया आपका। घर इनके जो आते हैं ना, हाँ। फिर उनको दुपट्टा उसका उतार के ना अपना पहना देते हैं। प्यारा हाँ। भी लग रहा है आपको। मुझे अच्छा सहमा जितने हाँ। उसको सूट पहनाते हैं। अच्छा तो मिला है इसके साथ पे मैचिंग जो... भी हो कर रहा है हाँ? मैचिंग भी कर रहा है। मैच हो रहा है कहाँ से ले? उनके घर गई हूँ तो चले सर, उन्होंने पहनाया है। बहन बनाया उसने। हाँ, उसने कहा कि हमारे घर पे जो आते हैं तो हम उसका सर खाली नहीं भेजते। ये भी देखो हमारे साथ साथ आइए सब। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, पहले मैं आपको अपनी गाड़ी दिखाऊं कि गाड़ी में जगह नहीं है, पीछे पूरा फुल है। ये सीट पे भी ये सारे बैग है क्योंकि चाचू भी सऊदीया जा रहे हैं तो उनका भी सारा सामान साथ में है और हमारा भी सारा सामान साथ में है। जो अम्मी यहाँ पर रह गए हैं तो अम्मी का भी बैग साथ में था, तो ये देखो पीछे सारा बैग सामान सारा ये पूरा फुल हो गया। अल्लाह हाफिज। तो हमें याद रखना, कोई दुपट्टा पहना रहा है, कोई गजरे पहना रहा है। कैसी अपना क्या लगना और बच्चों का भी। किसने पहनाया ये? अम्मी हर कोई यहाँ सब प्यार दे रहा है अपना। ये किसने पहनाया? ये किरण ने पहनाया। और नमकोट वाले बाय बाय। अम्मी देखे गन्ने कैसे निकाल रहे हैं, फिर बच्चों को चोट भी लगती है, ऐसे देखो गन्ने के पीछे लगे हुए हैं। और देखो इतना सफर करने के बाद अभी हम पहुंचने ही वाले हैं अपने गांव। ये देखे पूरी बारात जा रही है इसमें। हाँ बारात जा रही है। त्यागी अभी आप देखो ये तो यहाँ की रौनक देखो। ये अभी हमारे गांव का जो है ना कच्चा रास्ता शुरू हो गया। जाग हो गई, गांव आ गया। देखो यहाँ पर आते ही ना शादी की यादें ताजा हो गई। ये रहा दूल्हे वालों का घर। चले मैं तो यहीं पर ही उतर गई हूँ और इतना ज्यादा थका हुआ, इतना अपने घर को देख के ना दिल खुश हो गया। ये देखो कैसा शादी में हमारा घर पूरा ये लाइटिंग से सजा हुआ था ना, और ये पेड़ भी सारा सूख गया, पत्ते झड़ रहे हैं इसके। यहाँ पर देगे पकती रही थी शादी की, अभी भी सारा ही वैसा का वैसा है। कुछ बंद कर दिए थे चूल्हे, ये वैसा पड़ा है। ये हमारी वो जगह जहाँ पर हमने पूरी शादी के जितने भी सारे ब्लॉग थे ना इस कोने में अपलोड करते थे। गांव फाइनली पहुंच गए। इतना अच्छा लग रहा है ना वापस अपने गांव आके। तो सूखा हुआ सारा, कितना ये हरा भरा था। खूबसूरत सा हमारा गांव का घर। मैंने कहा सबसे पहले जो है ना इसको देख लूं, अंधेरा हो जाएगा और फिर हमने रात में ही निकलना है यहाँ से। हेलो और बच्चों कैसे हो? ठीक आंटी। कैसे हो? ठीक हो? कैसे हो? ठीक हो? पता था मैं आ रही हूँ। कैसी हो? ठीक हो? हाँ। बच्चों कैसे हो? ठीक हो? अबू भी आ गए। कैसे है अबू? हमने कहा अबू का सरप्राइज दे कर आते हैं। ठीक है अबू, बाकी सारे बाहर हैं। पता नहीं था हमारा? नहीं, नहीं पता था, एकदम पता चला है। देखो आ गई हूँ दोबारा। कैसे हो? ठीक हो? कैसे हो? ठीक। सुहेल ठीक हो? जी आप सुनाए। देखो कैसा लगा मेरा सरप्राइज, वहाँ से देते देते आई हूँ। मैंने कहा अब यहाँ पे भी जाकर देखो। नाम सुना है शानी का किचन, शानी का किचन बन तो बाहर रहा है खाना। ठीक सरप्राइज दिया आपने। हाँ कैसा लगा हमारा सरप्राइज? बहुत अच्छा लगा। सन्ना कैसी हो? ठीक। मैं बिल्कुल ठीक। दोस्त ने बहुत याद किया, फौजिया ने सलाम दे रही थी। चलो मैंने कहा अब ये दुपट्टा भी निकाल दो, अब गाड़ी भी हमारी अंदर जा रही है। वो अब लाइन से देखो इसको ताला, यहाँ पर सारे ताले। ये भी हमारा रूम खुलने वाला है। लाइट नहीं है ना? लाइट मट्टी मट्टी तो हुआ हुआ होगा। लाइट है, लाइट है। ऐसे हम अपने घर पहुँच गए, अपने गांव वाले घर पहुँच गए। क्या था? क्या याद किया था? कब आऊंगी मैं? तो एक साल बाद आने वाली थी, अचानक से चक्कर लग गया बीच में। और सुहेल ठीक हो? जी। आये तो बस छोड़ेगी नहीं। तो ये बैठी हैं चाची और मामी। चाची चाची बैठी रहे, बैठी रहे। कैसे तबीयत ठीक है आपकी चाची? ठीक। और मामी? हाँ क्या हाल है? ठीक मामी, आप सुनाए? ठीक है, ठीक ठीक है, तबीयत ठीक है मामी। मामी तो उस दिन छा गई थी जो दावत पे लाल सुर्खी लगा के गई थी। हाँ मामी भी चाची भी उस दिन सब बहुत प्यारे लग रहे थे, एक साथ गए ना। हाँ वो ज्यादा अच्छी दावत थी जो आप सबके साथ हुई थी, वो ज्यादा अच्छी थी।
शादी के दिनों में अम्मी कैसी रौनक थी ना यहाँ पर, कैसा घर सजा हुआ था लाइटिंग से, ये यहाँ तक घर पे पूरी लाइटिंग की लाइटिंग थी, रौनक लगी हुई थी ना शादी पे। शादी को यहाँ पर सब याद करते, बहुत अच्छी है। चलो आगे भी सारा घूम के आते हैं कि मुस्तफा का सब पूछ रहे हैं। काशिफ भाई को हमने सोचा सरप्राइज दें, क्या क्या शौक दे दिया आपने हमें, तो शौक दी। हाँ, पूछ रहा था काशिफ भाई के घर के हालात कैसे हैं, मैं वैसे ही पूछ रहा है। अच्छा, आपको पता नहीं था? नहीं नहीं पता, इतना तो पास आए हुए थे, आपको पता तो होना चाहिए कि बस ये पहुंचने ही वाले हैं। उधर भी जाना है, बात करने वाला जब आया तो आया तो नजर ही मुझे। मीटअप अच्छा रहा? मीटअप आप सुना, आपको मीटअप कैसा लगा? जबरदस्त जबरदस्त, आप लोग, आपको जब लोगों ने घेर लिया ना, मैंने कहा बस आज तो काम हो गया। बहुत लोग, आपने सोचा था इतने लोग आएंगे? नहीं मैंने नहीं सोचा, नहीं सोचा, सब ने यही कहा कि हमने नहीं सोचा था, पता नहीं था। अच्छा, कहाँ से ये घास काट के आ रहे हो? ठीक हो? मामे की, हमजा की है जी। एक तो इसका पेट इसका पेट मिलता है, फिर ये मिलता है, देखो सरप्राइज दिया। मैंने कहा मैं यार, इमेजिन हम लोग चले। अच्छा नहीं पता, इस्लामाबाद में हूँ। हाँ ये बोला था, मैंने कहा गाड़ी की आवाज आ रही है, कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे मैं घूम रहा हूँ। अच्छा देखे, दोस्त ही दोस्त को सरप्राइज दे रहा है ना, पुराना दोस्त है मेरा, क्लास फेलो किया है। अभी ना इतनी मट्टी नहीं है, हम आए भी तो जल्दी है ना, एक महीना हो गया। 4 घंटे हैं, 3-4 घंटे, 12 बजे निकलेंगे ना, 12 बजे, 12 बजे यहाँ से निकलना है, 6 बजे हम यहाँ पर पहुँच गए थे। बच्चे इतने ज्यादा खुश हो गए, बस अभी आए 2-4 घंटे की खुशी है, 2-4 घंटे के लिए। फारूक भाई ने उस टाइम पे ना पुलाव बनाया हुआ था हमारे लिए, तो हम उस टाइम खा नहीं सके, लेट हो रहा था, तो पूरा देगचा भर के देंगे साथ। किचन ये भी थोड़ा साफ करना, थोड़ी देर अभी बैठेंगे तो सही। किचन खोल लेना, उसमें प्लेटें वगैरह चम्मच वगैरह निकाल। देखो ये हीटर मेरे इतने ज्यादा काम आए हैं। ठीक ठीक, अल्लाह की रहमत है, हां तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। शाली भी आ गई, सरप्राइज ऐसा दिया कि बस इसकी आदत हो गई सरप्राइज देने की। अभी मैंने ना वो पहले वाला माहौल बनाया हुआ है, पहले के टाइम पे ना मोबाइल होते थे, कुछ नहीं होता था, एकदम सारे पहुंच जाते थे। यहाँ के बच्चे तो देखो खुश कैसे, सारे बार बार आ रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत याद किया है। अच्छा हाँ, चलो देखो आपकी याद जो है ना मुझे खींच लाई है। कराची में भी गांव वाले बोल रहे थे। हाँ कराची में सब, जैसे मीटअप पे मैं गई ना, कहते हैं यहाँ पे कराची वालों बोलो, मैंने देखा। हाँ वो भी गांव वाले कहते हैं, गांव वालों आ रही कहती है, जैसे आप वो बोलती है ना गांव में जाके गांव वालों, वैसे आप कराची का भी बोलो कराची वालों, तो उनको गांव वालों पसंद आ गया। माशाल्लाह जबरदस्त आपने डायलॉग लगाया। सुहेल की शादी पे रौनक लगाएंगे, हमारी शादी पे ऐसी रौनक लगेगी गाँव में, फिर आएंगे गाँव वालों। हमारे बाद कोई हुई शादी यहाँ पे? हाँ हुई है, परसों हुई है ना, वो तो सब गाँव वाले कह रहे हैं कि बस वो तो ऐसी है। अच्छा। वहाँ पे तो खाने ये हो या हाँ। उधर तो इधर तो लोग खा भी नहीं रहे थे। हाँ, यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा हाँ। बनवाया था हमने, उधर तो हमें कुछ मिला ही नहीं। मैंने ब्लॉग शूट किया डाला यूट्यूब पे, तो भाई मुझे कमेंट आ गया आपने सबको दिखाया अगर खाना नहीं दिखाया। हाँ शादी में तो खाना होता है, खाना हो तो मैं दिखाऊँ क्या। गाइस हमारी यहाँ पर जो हमने गांव में शादी की है, गांव में शादी के साथ साथ यहाँ के खाने भी मशहूर हुए, क्योंकि तीन चार चार खाने पकते रहे यहाँ पे। मछलियाँ ऐसे ऐसे मछलियाँ पड़ी हुई थी, मछली यहाँ पर फिश इतना यहाँ पर फ्राई होती रही है, और चाय के लिए भी अलग से पकवान थे, चाय के देखचे पकते रहे यहाँ पर, बड़े बड़े सूप, इतना बड़े बड़े प्याले सूप के, वो भी कोई नहीं खा रहा था। यहाँ पर खाना एक्स्ट्रा से बचता रहा, सब पेट भर के खाते रहे, और उसके साथ साथ जो हमने रौनक लगाई डांस की शादियों की, एक मतलब सच में वो रौनक लगी है यहाँ गांव में, और पूरे गांव में ना ये वाली शादी मशहूर हुई है, और इस शादी को सब याद करते कि ऐसी शादी हमने नहीं देखी, और अब भी जो हो रही है कहते इसमें रौनक ही नहीं है। लेकिन जो डायलॉग था गाँव वालों, गांव वालों अभी जो ना तसल्ली रखो, फंक्शन खत्म हो गया, बस करो अब फंक्शन खत्म हो गया। हमारे घर की चाबी अभी जो ना किचन खोलते हैं, और कुछ बर्तन भी यहाँ से निकालते हैं, लेकिन अंदर ही है ना, प्लेटें जग ग्लास के लिए। हाँ चावल खाना तो साथ में लेकर आए, लेकिन बर्तन सारे अंदर है, शादी वाले दिन से बंद हुआ हुआ है। अंदर लाइट लाइट लगी है, बर्तन बर्तन उस टाइम धो के गए थे, और ये देखो दूध पिलाई के गिलास।
इसके लिए मैं आपको एक बात बता, ये हमारी रस्म रहते रहते रह गई थी। उस टाइम पे सब इतना ज्यादा थक गए थे, बहुत टाइम भी हो गया था। मैंने चार गिलास मंगाए थे और मैंने सोचा था एक में ऑरेंज, एक में टैंग बनाएंगे, एक में पाकोला जूस बनाएंगे, एक में जामेश्वरी वाला होगा और एक में दूध होगा। तो हमने 50,000 की डिमांड रखी हुई थी और मैंने ये सोचा था कि दूध का गिलास अगर दूल्हा सही वाला उठा लेगा तो फिर 50,000 नहीं लेंगे, अगर कि उसने ऑरेंज जामेश्वरी टैग कुछ और उठाया तो फिर 50,000 लेंगे। तक प्लान किया था, ऐसे चार ग्लास भी लाए थे और बस ये वाली रस्म हमारी रह गई। इतनी प्यारी यादें है ना, उस साल के रख दो, नेक्स्ट टाइम काम आएंगे। और देखो जैसे जैसे बर्तन वर्तन सब धोगी गए सब वही पड़ा हुआ, और ये हमारा सिलेंडर चूल्हा सब कुछ वही है, कुछ भी नहीं। इसको भी धो के सारा क्लीन करके ऐसे साफ सुथरा करके ऐसे छोड़ के गए। तो आपको हमारा घर कैसा लगा, गांव अच्छा लगा? पानी तो नहीं है इसमें, गजरे तो उतार लो। ये गजरे मेरे वाटरप्रूफ है। अच्छा। गजरे नहीं, आज मेरे पहली बार ऐसे बने, ये सारे ना फोम के बने हुए हैं। फिर तो अच्छे है। हाँ, का ये वाला माशाल्लाह से हमारे घरों में कैसे रौनक लगी हुई है। जैसे मैं शबाना बाजी भी आ गई, चाची भी आ गई। नहीं देखो ये स्पेशल, ये है रेसिपी स्पेशल है ये ना, शबाना बाजी की जो शबाना बाजी लेकर आई हूँ। जब भी आऊँ ना साग तो पक्का, पिछले दफा साग रह गया था पीछे, बनता रहा था ना उस टाइम, पक रहा था, आराम चले गए। अम्मी अभी भी गर्म पड़े हुए हैं, गर्म पड़े हुए। हाँ, गरम गरम। अभी जो है ना सब खाना खाने लगे हैं। ये चावल तो हम वहाँ से लेकर आए और ये काशिप भाई के घर से हैं जो अभी अभी लेकर आए। काशिप भाई भी सब हमारे साथ खाना खा रहे हैं। हमें दावत दे दी, हमें आपको दावत दे दी। आप हमारे लिए खाना लेकर आए, इतने सारे चावल हम भी लेकर आए थे, सारे मिलजुल के बैठ के खाते है। अबू भी आए हुए, ओएस भी साथ में हमारे आया हुआ है। चाय देखो आ गई, अभी खाना ही खा कर बैठे। 50 रुपए का कप चाय वाला, चाय वाला, ये तो इतना बड़ा मग है, इतना ज्यादा मुझे क्यों भर के दे दिए। इतनी तो गर्मी होगी, आप पिएंगे ना दूध पत्ती में मजा आएगा। ये स्पेशली दिल से बनाई गई है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया, थोड़ी कम कर दो मुझे। मतलब इतना क्या पसंद है, जग भर के फिर मच रहा है। ये देखो टाइम, अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और अभी अभी हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए यहाँ से, और एक नींद हमने की है, नींद आ गई थी बहुत ज्यादा। तो चले ठीक है काशिप भाई, ओके अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया काशिप भाई का, फौरन से भाग, चलो खुश भी हो गए भाग के, चाय बनाना खाना सब कुछ लेकर आए। तो बहुत ख्याल रखती हूँ जब भी आए, दिल खुश हो गया। अभी यहाँ पे जैसे सर्दी भी बढ़ गई और इस्लामाबाद में भी बारिश हो रही है। मुस्तफा का फोन आया ना, गाड़ी एक तो ना गाड़ी हमारी पूरी फुल हुई है क्योंकि चाचू का सामान भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी एयरपोर्ट पे रुकेंगे तो इनका सामान फिर थोड़ा कम होगा, फिर सही से बैठेंगे। अभी हम रात के 2:30 बजे यहाँ से निकल रहे हैं और 6 बजे का ना, एंड फिर भी अभी टाइम है ना, पहुँच जाएंगे। को इतना सफ़र करने के बाद हम पहुँचे हैं मुल्तान के एयरपोर्ट पर, और आपको पता है कि हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान में रहते हुए भी मुल्तान का आज मेरा पहला चक्कर लगा है, जहाँ पे मैं मुल्तान का एयरपोर्ट देखने के लिए आई हूँ। मुल्तान का एयरपोर्ट ना आज मैं पहली बार देख रही हूँ जब से मैं पाकिस्तान में हूँ। हम वहाँ से निकले थे 2:30 बजे निकले थे और अभी 4 का टाइम हो रहा है। देखो गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं, ये रही सारी पार्किंग। बस मैं एयरपोर्ट देखने के लिए थोड़ा सा आई थी पास, अभी मुझे बच्चों के साथ अंदर भी बैठना है गाड़ी में। ठीक है, ख्याल रखिएगा। ठीक है अम्मी, चले बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ चाचू, पहुँच के फिर फोन करिएगा। इंशाल्लाह फोन करूंगा, अल्लाह आपको खैर खैरियत से ले जाए। ठीक ठीक है, आमीन। चले अल्लाह हाफिज़। चलो छोड़ के आ गए चाचू को? हाँ छोड़, चले गए अंदर एयरपोर्ट। हाँ बस अभी अंदर जा रहे हैं, चेक इन शुरू हो गया तो अभी बस अंदर जा रहे हैं। यहाँ से रवाना होते हैं मुल्तान एयरपोर्ट से, मुल्तान के सिटी से होकर। आपने अंदर से देखा कैसा एयरपोर्ट? अच्छा बना, साफ सुथरा है।